हेलो गाइस गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे रेडमी नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो एंड हमारे पास दो तीन और तरीके के रेडमी के फ़ोन्स हैं, तो उनके अंदर अगर हमें इनकमिंग एसएमएस ब्लॉक हो जाते हैं हमसे और हमारे मोबाइल में ना तो कोई ओटीपी, ना कोई मैसेजेस एंड ना ही कोई कंपनी का कुछ एसएमएस आता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए उसको चालू करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपकी इच्छा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें सेटिंग्स में जाना होगा, तो यहाँ पर हमारी सेटिंग्स से सब एक्सयूवी के सेट्स में आपको एक जैसा ही फीचर मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप जाते हैं सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च में लिखना होगा कॉल्स। कॉल्स जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग्स मिल जाती है, इसको खोल लेना है। कॉल सेटिंग्स जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखती होगी ब्लॉक लिस्ट, तो ब्लॉक लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। ब्लॉक लिस्ट पर अगर आपका ये ब्लॉक लिस्ट ऑन है एंड यहाँ पर एसएमएस डी अलाउ हैं, ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर आपकी जो इनकमिंग एसएमएस है वो कोई भी नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको सिंपली अलाउ पर क्लिक करना होगा और जो कीवर्ड्स वगैरह है यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर ये बंद होने चाहिए, और बस आपको इतना ही करना है। और मैं कहूँगा कि इसको पूरे को बंद कर दीजिए, लेकिन आप नंबर पर ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तीन नंबरों को ब्लॉक लिस्ट पर लगा सकते हैं, तो आप इसको बंद भी करना चाहें बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो इनकमिंग कॉल है और इनकमिंग मैसेजेस हैं वो प्रॉपरली आपके मोबाइल में आते रहेंगे। तो बस गाइस यही प्रोसेस था। अगर यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।